Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन कचहरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल। तो अजमेर में तीन दिवसीय छठा साहित्य महोत्सव शुरू हो गया है और हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल बातचीत के लिए व्यास पुरस्कार प्राप्त नजीरा शर्मा जी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ और जहाँ पे व्यक्ति का जन्म होता है उससे जुड़ी कुछ झलकियाँ उसके साहित्य में दिखाई देती हैं, उसके लेखन में दिखाई देती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे हम, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उस क्षेत्र का क्या फ़र्क लेखन में पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, बचपन बोलता है और जगह, लेकिन आदमी जुड़ा नहीं रहता है क्योंकि ठीक है झलकियाँ आती हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत सारी झलकियाँ आई हैं इलाहाबाद के अलावा भी। मैम, एक आपने पत्थर की गली का जिक्र मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था, वो क्या है, मतलब उससे आपका क्या नाता रिलेशन रहा बचपन से? पत्थर गली एक्चुअली हमारे घर और स्कूल के बीच की एक बहुत ही शानदार गली थी जिसके दोनों तरफ कोठियां थी और अंदर की तरफ हमारा स्कूल था। तो उसकी खूबी ये थी कि एक तरफ तो उसके मुसलमान आबादी थी और दूसरी तरफ हिंदू, एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ मंदिर और बीच में हमारा स्कूल। तो उसके चारों तरफ की कहानियां मैंने उठाई थी और उठाने से यह हुआ कि फिर पत्थर गली नाम देना पड़ा। मैम, आज के दौर में लेखन, और आपने जब, आप 1948 की पैदाइश हैं, आपने लिखती आई हैं लगातार, आप परिवार से भी उसी में आती हैं जहाँ लिखन का कार्य बहुत ही, आप, मैंने सुना है, बहुत अच्छे तरह से होता था, तो क्या फ़र्क देखती हैं उस दौर में और आज के दौर में, क्या फ़र्क आया है साहित्य में लेखन को लेकर? देखिए, हालात बदलते हैं तो इंसान अपने परिवेश को ही उठाता है, हालात को उठाता है, व्यवस्था को उठाता है, अपनी संवेदना को, लेकिन अच्छी कहानियाँ और बुरी कहानियाँ, बीच की तो कोई कहानी होती नहीं है, तो उसमें अपने हालात को, अपने समय को दिखाती हुई कहानियाँ आती हैं नए। रुचि के अनुसार बताइए थोड़ा कि मतलब साहित्य में जो लोगों की रुचि पहले हुआ करती थी, आप कुछ फ़र्क देखती हैं कि कुछ कमी आई है या फिर लोगों का इंटरेस्ट कहानियाँ, किस्से, किताबें पढ़ने में कम हुआ है इस डिजिटलाइजेशन के दौर में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वरना मेले क्यों लगते, प्रकाशकों का नंबर क्यों बढ़ता, किताबें क्यों बिकती। अब इधर जो मंदी आई है उसकी वजहें कुछ और हैं, साहित्य नहीं है। ये थी नसीरा शर्मा जी जो व्यास पुरस्कार प्राप्त हैं और इन्हें हमें MT TV को समय दिया, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।